हेलो एवरीवन, आई एम योर कोच दीपक वाधवा हियर। गाइस, आज का हमारा जो सेशन है, मैंने स्टूडेंट से लिंक इसलिए शेयर नहीं कराई है, रिजर्व रखा हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए या फिर स्पेशली उनके लिए जो नबार्ड एग्जाम को भी टारगेट करते हैं एएफओ के साथ साथ, और उन लोगों के लिए जो एएफओ क्वालिफाई कर चुके हैं, वर्किंग है या फिर वो ज्वाइन करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर टारगेटिंग नबार्ड एग्जाम। नबार्ड के बाद और भी लाइफ है ना, और भी अचीवमेंट्स होने चाहिए, बट वो बात के हैं। लेकिन हाल फिलहाल कुछ ऐसा है कि नाबार्ड जो है नोटिफिकेशन हर साल रिलीज करता है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ जो हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है और क्या करनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एएफओ राइट नाउ, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की थीम को लेकर चलूंगा कि हमें अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वहां पे हमारा जो टारगेट कही है या फिर ये कही कि हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, जरूरी है, राइट। तो आज का सेशन हमें जो बताता है वो ये बताएगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाओ तो किन किन क्वालिटीज के साथ जाओ, बिकॉज वो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता ही नहीं है कि गोल क्या होता है, प्लान क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है ना, या फिर पैशन क्या होता है, डेडिकेशन क्या है, तो आई थिंक इन वर्ड्स के बिना, इन चीजों के बिना हमारे अंदर हम मिसिंग करेंगे किसी ना किसी चीज को, तो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो हमारा सेशन जो कि इस पे है, स्ट्रेटजी पे, प्लस आपका जो नबार्ड का पैटर्न है, जो 2020 का पैटर्न होगा नबार्ड का, वहां पे क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे आने वाला है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। फाइन, चलो तो स्टार्ट करता हूं हमारे सेशन को। जैसा कि मैंने इमेज के अंदर मेंशन करा, मैं एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाऊंगा। वाई? बिकॉज आपने स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके यहाँ पे तो अचीव कर लिया है, लेकिन इसके बाद मंजिलें हमारे पास और भी है, रुकना नहीं होता। शायद मुझे ऐसा लगता है लाइफ में आपने जो भी गोल अचीव किया है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुके नहीं। अपने आप को कहीं बेंचमार्क सेट मत करो कि मैं यहां पहुंच गया तो मेरी लाइफ ओवर है, बस अब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। लाइफ में करने को बहुत कुछ है, बट बात है प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा आपको। और इन दिनों में जब कोरोना के टाइम में लॉकडाउन हम फेस कर रहे हैं, अभी तो हाई टाइम है ये प्रोडक्टिव बनने का, बिकॉज जब जॉब लग जाएगी, ज्वाइनिंग जब मिल जाएगी आपको, तब टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आज टाइम मैनेज करना आपके लिए बहुत इजी है। और फिर आपके साथ एक पावर भी हो जाती है कि पहले जब तैयारी करते थे ना, एक नेगेटिव पॉइंट के साथ, ये कि डिप्रेशन के साथ करते थे, यार सिलेक्शन ना हुआ तो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, है ना, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ आगे जाओगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक स्टेजेस आपको दिखाई, राइट। जब बात करते हैं किसकी, हाउ टू अचीव टारगेट स्टेप बाय स्टेप, है ना, हमें हमारे जो गोल है या फिर हमारे जो टारगेट है, इन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे अचीव करना है, राइट। सो मैंने पहले बोला, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बट कहानी सुनने से पहले बता दूं हमने क्या किया अभी तक, हम यहाँ पे है, है ना, हमने मेहनत करी 6 महीने 8 महीने 1 साल, वी अचीव्ड आईबीपीएस एएफओ। इसके बाद अगर मैं बोलूं मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए किसके साथ, ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए सेकंड स्टेज के साथ, सेकंड स्टेप के साथ नाबार्ड, और अगर वो आप अचीव कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे मूव करना चाहिए। अब कहां मूव करना चाहिए आपको, आपका थर्ड स्टेप जो आपको लेके जाता है यूपीएससी, मतलब जो सिविल सर्विसेज है, जहां पे आप ओवरऑल भी चूज कर सकते हैं या फिर आपका जो स्पेशल सेक्शन है विच इज नोन एज IFS, है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उससे भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर लाइफ में कुछ और भी गोल है तो आप कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज वो जो स्टेज है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जाऊं तो शायद टफेस्ट एग्जाम वो कंसीडर होता है इंडिया का। बट बात ये कि ये सुनना तो बड़ा अच्छा सा लगता है ना, इजी है सर, ठीक है आपने बता दिया, हमने मान लिया, हम ये फोकस कर लेंगे, ये फॉलो करेंगे ना, कि हम यहाँ पे है, यहां जाएंगे। बट नाउ द प्रॉब्लम इज, करना कैसे और क्या मैं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि हमें जो स्टेप बाय स्टेप करना है ना, यहाँ प्रॉब्लम आती है। हम पेपर के टाइम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन पेपर से 6 मंथ बिफोर पढ़ने में उतनी एनर्जी नहीं आती है, है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो जब बात करते हैं किसको, बोला गया फॉलो दीज रूल्स टू अचीव योर गोल्स इन लाइफ, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं, तो मैंने पहले ही बोला, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, है ना, एक छोटे बच्चे के जो 4th क्लास में था, उसके पापा जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आपके साथ भी कभी हुआ होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर का अक्सर ट्रांसफर हो जाता है ना। जैसे उसकी क्लास पूरी होने वाली थी ना, उसकी 4th क्लास जो थी पूरी होने वाली है, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर के साथ साथ सडनली उसे भी एक नए स्कूल में शिफ्ट होना पड़ा। जब नए स्कूल के अंदर शिफ्ट हुआ तो 15 डेज बचे थे उसके फाइनल एग्जामिनेशन को, उसके लिए डिफिकल्ट था कि वो नए स्कूल का नया सिलेबस पूरा कर ले विद इन 15 डेज,
तो इस बार तो फेल हो जाएगा। अब उसकी मदर ने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये पास हो जाए, बट क्या करे, शी वॉज थिंकिंग मैं क्या करूं। प्रिंसिपल साहब के पास गई, प्रिंसिपल साहब ने बोला कि ये 150 क्वेश्चन है, ये तो इसे कैसे भी करके पूरे करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, वरना ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है ना। अब क्या हुआ, 150 क्वेश्चन थे। अब मदर ने सोचा कि मैं जाके बेटे को ये बता दूं कि 15 दिन में 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ये उसके लिए क्वाइट डिफिकल्ट है, वो करेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं मेरे से हो ही नहीं सकता। तो शी थॉट कि मैं ये क्यों बोलूं 150 क्वेश्चन का, मैं उसे ये बोलती हूँ कि तेरे को ना मैं गिफ्ट दूंगी अगर तू एक दिन में 10 क्वेश्चन करेगा। तो बच्चे को साइकिल बहुत टाइम से मांग रहा था, है ना, बच्चे की डिमांड थी मुझे साइकिल लेके, तो मम्मी ने वैसा ही किया, जाके बोला कि बेटा साइकिल लेके दूंगी अगर 15 दिन तक मेरी बात मानेगा। बच्चा खुश हो गया, 15 दिन कौन सी बड़ी बात है ना, साइकिल मिलना चाहिए। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, हर दिन एनर्जी के साथ 10 क्वेश्चन करता गया। 15वें दिन जाके 150 क्वेश्चन हो गए, पेपर हुए, बच्चा एग्जाम में क्वालिफाई हुआ, एग्जाम पास किया उसने। तो बात यह कि जो 15 दिन के अंदर एक बड़ा सा टारगेट दिख रहा था ना, वो शायद अचीव ना कर पाता, लेकिन जब उसने उसे डिवाइड कर दिया स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए उसी गोल को अचीव करना ज्यादा इजी हो जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ है, हमें लगता है सर आपने लिख तो दिया यहाँ पे यूपीएससी, ये नहीं सर, तो किसने बोला 6 महीने के अंदर क्वालिफाई करो यार, जब वर्किंग हो फील्ड के अंदर हो, कितना कुछ डेली सीखोगे, और उस जॉब के रिलेटेड जो वहां पे उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत और सीखते जाओ, तो डेफिनेटली आफ्टर 1, आफ्टर 2 और आफ्टर 3 इयर्स वो गोल भी आप अचीव कर पाओगे। आप जब जॉब छोड़ के जाते हैं तो एचआर का नेगेटिव क्वेश्चन होता है, वो नेगेटिव आप पे इंपैक्ट जाता है उसका कि आपने पहले वाली जॉब क्यों छोड़ी, लेकिन नाबार्ड में जाएंगे तो पॉजिटिव है आपके लिए। नाबार्ड हमेशा प्रेफरेंस देता है एक्सपीरियंस लोगों को, अगर आप एक्सपीरियंस मांग रहे हो दैट मींस आप खुद चाहते हो कि पर्सन कहीं ना कहीं से जॉब छोड़ के आया हो, तो नाबार्ड में आपके लिए पॉजिटिविटी ये भी है कि आप जो सिलेक्टेड लोग हैं आफ्टर 1, आफ्टर 2 इयर्स आपके 6 महीने का एक्सपीरियंस भी हो गया तब भी चलेगा, आपको पॉजिटिवली देखेंगे वो नेगेटिवली नहीं। तो डेफिनेटली आपको AFO के बाद अगली स्टेज पे जाना चाहिए, हमें चाहिए क्या इस स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले बोला गया कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और मे बी कभी कभी तो लोग फोर्थ ईयर में जाके सेलेक्ट होते हैं। आप अगर ऐसे ही है, मतलब फर्स्ट वाले नहीं है, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वाले हैं, तो खुद से पूछ के देखिए आपको कितनी डिफिकल्टी हुई थी जब पहली बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा, एंड यू आर लाइक नहीं भगवान इस बार तो हो जाए, इस बार तो हो जाए, है ना, और जब नहीं हुआ कितना बैठ के रोए होंगे। आज आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हुआ था ना भाई, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमें लगता है कि मैंने जो काम कर लिया ना बस इसका फ्रूट, इसका रिजल्ट मुझे मिल जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी हम मेंटेन नहीं कर पाते, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। आज लेक्चर सुन लिया सर का, है ना, सर ने स्ट्रेटेजी बता दी, आज से मैं ये वाला काम करूंगा, बट कितने दिन करूंगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन फिर से ठंडा पड़ जाऊंगा, हर बार सेशन नहीं मिलेंगे ना। सो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस रिक्वायर्ड है। सेकंड वहां पे क्या लिखा गया, सेकंड बोला गया प्लान एंड गोल। इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, आप सब लोग जानते हैं इसके बिना पॉसिबल नहीं है। गोल तो आप डिसाइड कर लोगे, लेकिन विदाउट प्लान गोल आप अचीव नहीं कर सकते। तो अपना पहले एक प्लान बनाइए, बिकॉज हर किसी का अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वीकनेसेस हो सकती है, तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को देखिए और उसके अकॉर्डिंग सुटेबल प्लान बनाइए। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, इसके अलावा मुझे चाहिए पैशन, पॉजिटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, है ना। पैशनेट होना जरूरी है, आप किस चीज के लिए पैशनेट नहीं, आप सोचते हो यार वो कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा नहीं, आप वो करे ना करे बट मुझे एनीहाउ करना है उसे। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कामों के अंदर, आपने बुक तो उठाई लेकिन व्हाट्सएप पे जैसे ही मैसेज वहां पे चले गए तो प्रोडक्टिव नहीं हो। प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्ड आपके काम में, 1 घंटा काम करो, 10 मिनट काम करो, 15 मिनट स्टडी करो, बट वो स्टडी से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, ये नहीं कि खोला फोन पीडीएफ थोड़ी सी घुमाई फिर स्विच कर गया टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, टाइम वेस्ट हो गया, है ना। तो पैशनेट रहिए, पॉजिटिव रहिए और प्रोडक्टिव बनिए, हर दिन को प्रोडक्टिव बनाइए। लॉकडाउन के अंदर पूरा दिन यहाँ वहां टाइम वेस्ट करके रात को बेड के ऊपर आंखें बंद करके सो जाना, मतलब बहुत बड़ा क्राइम आप कर रहे हैं अपने करियर के साथ, है ना, ये नहीं होना चाहिए। अपने आपको प्लीज प्रोडक्टिव बनाइए। इसके अलावा हमें क्या फॉलो करना है, यहाँ क्या लिखा गया, सीक नॉलेज। हमें ऐसा भी लगता है कि मैं अगर नबार्ड की तैयारी कर रहा हूँ ना, बस ये नबार्ड में आएगा, ये आएगा, ये पिछले साल तो ये आया था, ये पढ़ूंगा मैं। हम नॉलेज को कभी टारगेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपका फर्स्ट एग्जाम जो था वहां पे मैं ये वाला पॉइंट नहीं बोलूंगा कि नॉलेज, मैं अक्सर बोलता हूँ कि पहले सिलेक्शन ले लो फिर ज्ञानी बनते रहना, बट नाउ द टाइम इज टू बिकम ज्ञानी, बिकॉज सिलेक्शन आप लोग ले चुके हो, है ना,
अब ज्ञान लेने का टाइम आया। वाई? क्योंकि अब जो टारगेट है ना वो छोटे नहीं है, रट्टा आपने लगा लिए, आप भूलने वाले नहीं हो कि ड्रिप की एफिशिएंसी कितनी है, ड्रिप की वाटर सेविंग कितनी है, लेकिन चीजों को एनालाइज करना, आपके माइंड में थॉट कितने जल्दी आते हैं, आपके आइडियाज आपको किस साइड लेके जाते हैं। लेट्स से इफ आई सेड कोरोना, आप बोलो कि सर 2 महीने में खत्म हो जाएगा, आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, सर डेली 26,000 आ रहे हैं, सर अब तो मरेंगे लोग, आप नेगेटिव जा रहे हैं, है ना। तो आपकी एनालाइजिंग पावर क्या है, किसी चीज देखते आप कहां जाते हो, ये चीजें भी पेपर एनालाइज करेगा। नाबार्ड का जो मेंस पेपर है जिसकी बात हम करने वाले हैं आज, है ना, वो ऐसा ही करता है, जहां पे डिस्क्रिप्टिव आपके सामने होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आपके एनालिटिकल स्किल और आपका पावर जो थिंकिंग आप किस साइड जाते हो उसे चेक किया जाता है। इसके अलावा मुझे क्या रिक्वायर्ड है, नाउ वी नीड डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन चाहिए नहीं, नो डिस्ट्रैक्शन। तो मैंने पहले ही बोला इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक या पबजी वबजी खेलते होंगे, आई डोंट नो आप क्या करते हैं, लेकिन ये लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस है, प्लीज इन्हें दूर कीजिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आई थिंक सेल फोन है, है ना, आप क्लास भी इसी सेल फोन में अंदर ले रहे हैं, बट नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए हर ऐप का जो 1 मिनट का टू 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 करती रहती है, आपका टाइम वेस्ट करिए, प्रोडक्टिव बनिए, डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में मत लेके आइए। एंड उसके बाद आपके पास एंजॉय इट, एंजॉय इट का मतलब कि जो भी पढ़ रहे हो उन चीजों को एंजॉय करो, अपने आप बर्डन मत बनाओ कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है, ना बर्डन जब बनाया था पिछली बार का याद कर लो, उस टाइम पे आप प्रोडक्टिव उतने नहीं हो पाते थे। ऐसा भी होता है जब लोग सेलेक्ट होते हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, एक स्टूडेंट है मेरी हरियाणा से, आशिमा नेम है उसका, है ना, लास्ट ईयर जब वो मेरे पास थी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और इवन वो क्लर्क और पीओ के एग्जाम भी दे रही थी बट सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ। भाई इस साल उस लड़की ने IBPS PO भी क्वालिफाई कर दिया, उसने RRB PO भी क्वालिफाई करा, SBI क्लर्क भी क्वालिफाई किया, अभी FCA का रिजल्ट आया वो भी क्वालिफाई है, इंटरव्यू के लिए जाना है, बट द पॉइंट इज अब वो पॉजिटिव है ना, अब उसे डर नहीं लगता कि जो भी आप ना 100% दूंगी। तो चीजों को एंजॉय करना सीखो, प्रेशर मत बनाओ अपने आप पे, है ना, आप उन चीजों को एंजॉय कीजिए कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे नॉलेज चाहिए, मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कि मुझे बस उतना सा ही पढ़ना है, इन चीजों को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। चलो अब पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं हमारे नाबार्ड की, कि नाबार्ड जो है कैसे तैयारी करें, और फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ उनको हम कैसे हेल्प करने वाले हैं, हमारी साइड से आपको क्या मिलने वाला है। जब नाबार्ड एग्जाम को देखता हूं, मैं नाबार्ड को थोड़ा सा ओपन करता हूं, है ना, नाबार्ड एग्जाम जब ओपन होता है, नाबार्ड कहता है कि मैं क्या हूं, नाबार्ड कहता है मैं कुछ ऐसा हूं, है ना, पहले वो क्या लेके आते हैं आपके लिए प्री एग्जाम, है ना, जो आपके लिए शायद इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बिकॉज ARD सेक्शन आपके लिए इजी है, ESI सेक्शन आपके लिए डिफिकल्ट है, और इंग्लिश तो हमेशा से डिफिकल्ट रही थी हमारे लिए, वो कभी इजी बनी नहीं थी, ऐसे मजाक कर रहा हूं यार, है ना। और फिर उसके बाद क्या आ गया आपके पास, आपका मेंस एग्जाम, एंड उसके बाद जो इंटरव्यू है, यहां पे इंटरव्यू थोड़ा सा स्पेशल होता है, उसकी बात भी आज के सेशन में करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारा प्री एग्जाम। बट इसकी बात करने से पहले अगेन आपका फीडबैक जरूरी, मैंने पहले ही बोला कि टू वे है ये, है ना, तो मैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनसे 2-4 बातें पूछना चाहूंगा, है ना। तो जैसे हमने अभी बातें करी हमारे सेशन में कि हमें ये सब रिक्वायर्ड है, आपको क्या लगता है, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है ये सब, है ना, आपने देखा है कि कैसे कैसे होता है, कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लान या फिर स्ट्रेटेजी आपकी जिसे आप बोल देते हैं, पैशनेट और पॉजिटिव होना, फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में कितना डिस्टर्ब करती है, आपको क्या लगता है, आप में से कोई है जो इस पे कुछ बोलना चाहे, बिकॉज बहुत सारे लोग आपकी वीडियो को जरूर फॉलो करेंगे, है ना, एनी वन ऑफ यू जिसको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, अगर ये हुआ तो सिलेक्शन होता है और ये नहीं हुआ तो मे बी नहीं हो सकता, एनी वन ऑफ यू जो बोलना चाहे, मैम प्लीज आप बोलें, क्या बोलना चाहती हैं। मैंने भी प्रिपरेशन की थी इस बार, तो इन सब चीजों का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था कि कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपनी रेगुलरिटी में पीछे हट जाते हैं, और अपना गोल अचीव जो करना होता है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। और अगर आपके नेक्स्ट गोल की बात करूं, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट हमें जो अचीव करना है इसके लिए आपका पॉजिटिव और पैशनेट होना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा, जितने पॉजिटिव होते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है, ये मैंने इस बार सीखा। मैंने इसे पहले भी दिया था एग्जाम तो मैं थोड़ा नेगेटिव थी, बट इस साल मैंने काफी पॉजिटिविटी रखी तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा इस बार। और एक और क्वेश्चन, अब आपका सिलेक्शन कौन से बैंक में हुआ? यूनियन बैंक। यूनियन बैंक, ओके। मैं एक छोटा सा आंसर हो दो, यूनियन बैंक के अंदर आप AFO कहने को तो आप 5 साल बाद शायद 60-70,000 पे पहुंच जाएंगे, 60-70,000 की सैलरी शायद कम नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि गोल यहाँ पे रुक जाने चाहिए, आपको आगे अभी और बढ़ना चाहिए? आगे डेफिनेटली बढ़ूंगी मैं। क्यों, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है 70,000 से? नहीं, नाबार्ड अल्टीमेट गोल है।
ओके नबार्ड अल्टीमेट गोल है, फाइन। चलिए फाइन, आगे मूव करते हैं गाइस। हमने बात करी कि लाइफ में कंसिस्टेंसी पैशन कितना रिक्वायर्ड है, अब बात करते हैं आपके एग्जाम की। मैंने जस्ट पूछा इन बच्चों से जो सेलेक्ट हुए, क्यों पूछा, पूछने का जस्ट इतना सा रीजन था कि आप खुद लोग समझ पाओ, बिकॉज मेरा बोलना तो इट्स ओके, मैं तो यूनिफॉर्म चलता हूँ हमेशा, मेरे लिए तो ये बातें बहुत नॉर्मल हो चुकी, मैं हर बार हर किसी को बोलता हूँ, बट द पॉइंट इज जो इस सिचुएशन को फेस करके सेलेक्ट होके आया है, अब उसके आइडियाज क्या है कि पुराना जब मैंने किया तब मैंने कैसे किया, एंड नेक्स्ट जब मुझे करना है तो क्या मुझे AFO में रुक जाना है? ऑफकोर्स नो, बिकॉज जो लोग रुक जाते हैं ना वो लोग सेटिस्फाइड है, बट आफ्टर 2 or 3 years है ना वो सेटिस्फाइड नहीं होते। पता है क्यों? आपने काफी सारी मूवीज देखी होंगी, हम फेल हुए तो हमें दुख कम होता है, लेकिन हमारा फ्रेंड पास हो गया ना दुख बढ़ जाता है हमारा। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया, चलो फेल तो नहीं होंगे बट आपके परसेंटेज कम आए तो वी आर ओके, यार इस साल रिजल्ट ही खराब रहा है, बट रूममेट के जैसे ही ज्यादा आए अब दिल टूट जाता है, भाई साहब ऐसा कैसे हो गया। तो सेम है ना, आज आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है तो वो आपके साथ है, कुछ का नहीं हुआ तो अगले साल आपके साथ होंगे, लेकिन आफ्टर 2 or 3 years इनमें से कुछ लोग जब निकल के आगे जाएंगे ना तब हमें समझ आएगा कि लाइफ में वो टाइम था जब मुझे स्टडी करनी चाहिए थी। मैं ये बातें पता कैसे बोल पाता हूँ, क्योंकि मैं आपको सेशन नहीं दे रहा, मैं ये सेशन कितने सारे लोगों को दे चुका, मेरा RRB वाला जो कोर्स है मैं वहां पे अक्सर ये बात सुनता हूँ, दे यूज्ड टू से कि सर 4 साल का गैप हो गया, सर अब बहुत मुश्किल आ रही है। व्हाई? क्योंकि 4 सालों से डिसकनेक्टेड थे। लेकिन आपकी बात करो ना, आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप इंडिया में किसी को आगे नहीं आने देंगे ARD सेक्शन में, क्योंकि ARD सेक्शन एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का इजी होता है, बिकॉज वहां पे सारी स्ट्रीम एलिजिबल होती है, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता। बाकी जो पोर्शन है वहां पे, तो उसके लिए आप इस टाइम पे अगर स्टडी करें तो नाबार्ड का प्री तो विदाउट एनी एफर्ट्स बस 2 से 3 घंटे से क्वालिफाई हो सकता है। चलो मैं बात करता हूँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारा जो नाबार्ड एग्जाम है सबसे पहले प्री है, उसके बाद मेंस, एंड फिर आपका क्या है इंटरव्यू। अब जब नाबार्ड के प्री की बात करता हूँ, इसके अंदर आपके AFO की तरह 3 या 4 सेक्शन, 3 मतलब जो प्री एग्जाम के अंदर है और 1 सेक्शन जो आपके मेंस है वहां पे नहीं, इसमें 7 सेक्शन हो जाते हैं। फिर जब बात करता हूँ इसके मेंस की, तो प्री हमारा जो मेंस था वहां पे AFO में वो तो एक ही सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे मेंस भी डिवाइड हो जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर के साथ और ऑब्जेक्टिव पेपर, उसकी बात भी करता हूँ। फिर जब बात करता हूँ इंटरव्यू की, वहां पे रेशियो कम होता है, IBPS जब लेता है तो कम कैंडिडेट लेता है और सिलेक्शन कर देता है ना, यहाँ पे कैंडिडेट ज्यादा लिए जाते हैं, वहां 1:3 चलता है ऑलमोस्ट, यहाँ 1:5 लेके चलते हैं। ये क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें एक बेस्ट पर्सन चाहिए, बेटर नहीं चाहिए इन्हें, है ना, इन्हें बेस्ट चाहिए। तो 5 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं। नाउ टॉक अबाउट द पैटर्न, है ना, फिर बताऊंगा कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर नाबार्ड एग्जाम की बात करते हैं, हमारा जो नाबार्ड एग्जाम है, जो मैंने प्री बोला कि प्री एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो जो प्री एग्जाम के पैटर्न की बात करें, कुछ ऐसे चलता है आपका प्री एग्जाम, है ना। प्री में बोला गया टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, फिर आपका ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, और फिर आपका आ गया ARD, इट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जब बात करेंगे आपके मेजर सेक्शन की, थोड़ा सा यहाँ पे आइए, बिकॉज उस पार्ट से मेजर बोले, यहाँ से मेजर बोले, बिकॉज जहां पे नंबर ज्यादा होंगे डेफिनेटली वो क्या हमारे लिए मेजर है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं आपके पास, डेफिनेटली 40 40 40, है ना, 120 तो यही बन गए 3 के अंदर और बाकी 4 मिलके तो 80 बना रहे हैं ना, तो 3 से 120 लेने या 4 से 80, डेफिनेटली 3 के साथ जाएंगे। अब अगर यहाँ पे जाऊं तो आप क्वालिफाइड स्टूडेंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डेफिनेटली इसे बड़े अच्छे से कर सकते, थोड़ी सी और प्रैक्टिस, ARD हमारा कवर है बिकॉज एग्रीकल्चर आप कर चुके, वो रूरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो RD मतलब रूरल डेवलपमेंट का जो पार्ट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बात कर दो आपके इस वाले सेक्शन की 40 मार्क्स की, जो ESI है, ESI है ना, आप समझते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ESI की जब बात करता हूँ, यहाँ पे भी आपको बस ESI के पैटर्न को समझना पड़ता है, कुछ करंट की बातें पूछेगा, कुछ जनरल बातें पूछेगा, लेकिन पेपर का लेवल इस पेपर का है ना ESI का बहुत ईजी होता है। हमने एग्रीकल्चर के अंदर नहीं पढ़ा उसे, लेकिन हम अगर पढ़ेंगे तो आई थिंक सो कि 60 to 70 pages के अगर नोट्स होना उतने से भी ESI इजिली कवर होता है। और फिर जब बात करो इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इससे आप समझते हैं सारे लोग, आपने देखा आपके माइंड में एक ही डर था प्री में, ना तो आप मैथ से डरते थे ना आप रीजनिंग से, आपका था भगवान बस इसमें जैसे तैसे करा देना, मोस्टली किसा ऐसा हुआ होगा, है ना। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश से डर लगता है, तो आपके पास जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट क्या था आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिस पे कमांड बनाने के लिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो क्या आ जाता है, दैट इज योर ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
राइट, तो एआरडी सेक्शन को कवर कीजिए, ईएसआई और इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात करते हैं मेंस पेपर की। मैं दोबारा आऊंगा इसी पॉइंट पे कि हमें ये कैसे कैसे कवर करना है, फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि हमें फोकस कहाँ करना है, बिकॉज कंप्यूटर कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। जीए के 20 क्वेश्चन है या 20 मार्क्स है, छोड़ देना एक बार के लिए, कम नंबर आ जाएंगे तो यहाँ पे स्कोर कर लेंगे। क्वांट आपका परफेक्ट है, रीजनिंग आपकी परफेक्ट है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जब भी पेपर दोगे प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है ही है। नाउ टॉक अबाउट नाबार्ड मेंस एग्जाम पैटर्न। आपका जो नाबार्ड का मेंस है, इसका पैटर्न क्या होता है? बिकॉज़ प्री का तो सभी ने सुना हुआ है, बट मेंस वाले केस में थोड़े से डाउट है कि पेपर डिस्क्रिप्टिव कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, सिंगल है, डबल पेपर है। फिर डबल के अंदर हम जब वहां पे वैकेंसी देखते हैं, वो कहता है हॉर्टिकल्चर की 2 है, सोयल की 3 है, ये क्या होती है सर? ओके फाइन। जब आपके मेंस के पैटर्न की बात करता हूं, मेंस आपके 2 पेपर लेता है। क्या बोला गया? कैंडिडेट्स इन द रेशियो 1:25 आर सिलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जाम, है ना। यहाँ पे आपके जो सिलेक्शन है वो कितने वैकेंसी से 25 गुना, है ना, 1:25 सेलेक्ट होने वाले हैं। फिर बोला गया द मेंस एग्जाम कंप्राइजेस 2 पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड। 2 पेपर आपके पास है, फर्स्ट एंड सेकंड। पेपर 1 जो है वो जनरल इंग्लिश का है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑन कीबोर्ड, है ना। डिस्क्रिप्टिव तो है ही है, साथ साथ लिखना पेन से नहीं है, कीबोर्ड के ऊपर टाइप करना है। तो ये 2 चीजें आपकी चेक करेगा, है ना। क्या चेक करेगा? एक तो आपका नॉलेज चेक करेगा, क्योंकि आप अगर टाइप कर रहे हैं सर, आप कुछ लिखना है वहां पे, विदाउट नॉलेज तो नहीं लिख सकते। सेकंड, आपके एनालिटिकल स्किल जो है, आप किस चीज को कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसे आएगा, पैराग्राफ आएगा। तो भाई पैराग्राफ एसे का मतलब यही है, आपके ओपिनियन, आपके व्यूज को चेक करना। तो आपको उन चीजों को डेवलप करने के लिए अपनी थॉट नहीं लगानी। लेट्स अगर मैं बोलूं, आपने अभी इंटरव्यू दिया, सब बच्चों ने आपको इंटरव्यू के अंदर जब गए थे, है ना, तो इंटरव्यू जब हमने दिया तो हमें इंटरव्यूअर के सामने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, ये आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं दिया, है ना। आपने गूगल से देखा होगा, नोट से पढ़ा होगा, कहीं पे तैयारी की थी इंटरव्यू की, तो उस एक्सपर्ट से पूछा होगा कि सर क्या बताना है वहां पे, तो उसने भी जो आंसर दिया वो अपना आंसर नहीं दिया, वो बैंकिंग की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया। तो ये लोग वही देखते हैं कि आपका माइंडसेट कहां पे जाता है। तो पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव है, जहां पे आपके पास क्या आएंगे, बोला गया ड्यूरेशन जो है पेपर का वो कितना है, 1.5 आवर्स, और उसके अंदर आपके 100 मार्क्स होते हैं। द एग्जाम कंप्राइजेस क्वेश्चन फ्रॉम एसे राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो देखो ना, अब लेटर राइटिंग की बात करें तो शायद कोई इसमें आइडिया चेक नहीं कर रहे, बट इंग्लिश के स्किल्स तो चेक कर रहे हैं ना, कितना अच्छे से लिख पाते हो, गलतियां करते हो कि नहीं करते हो, बहुत मेजर है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो ना, जब पैराग्राफ की बात करेगा, एसे की बात करेगा, ये तो टोटली आपके थॉट्स है ना, टोटली फोकस्ड है कि आपके माइंड में जब आइडियाज आते हैं तो वो आइडियाज कैसे आते हैं, राइट। तो ये तो बात है हमारे पेपर 2 के अंदर पेपर 1 की, क्योंकि पेपर 1 तो आपका प्री एग्जाम हो गया, पेपर 2 के अंदर 2 थे, है ना। तो पेपर 2 के अंदर जो पहला पेपर आया वो आपका क्या है, जनरल इंग्लिश पे है, जहां पे आपसे डिस्क्रिप्टिव कीबोर्ड पे आंसर देने, आपको 1.5 घंटा आपको मिलेगा, जो कैरी करता है कितने नंबर, 100 मार्क्स। बात करते हैं किसकी, द पेपर 2 इज ऑब्जेक्टिव टाइप, और वी कैन कॉल इट MCQs बेस्ड। इसमें क्या आएगा, जब बात करते हैं पेपर 2 की, पेपर 2 लेके आता है टेस्ट पेपर कैरीज क्वेश्चन फ्रॉम ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगेन जो आपने प्री के अंदर स्टडी किया, फिर से आ गया, ESI भी आएगा, ARD भी आएगा, कुछ और भी आएगा सर, डेफिनेटली आएगा। बोला गया था क्वेश्चन इन पेपर 2 आर ऑल्सो आस्क रिलेटेड टू द डिसिप्लिन। अब जो आपने वैकेंसी फिल किया ना, आप जा रहे हो इंजीनियरिंग के साथ, सोयल साइंस के साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोला गया पेपर 2 इज सेट एज पर द पोस्ट, है ना। पेपर 2 जो आपका है, है ना, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। पिछला जो इंग्लिश वाला है वो तो ओके है सभी के लिए, लेकिन ये हर किसी का जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। ईच पेपर इज हेल्ड फॉर अगेन सेम टाइम, आपको मिलेगा 1.5 घंटा, और सेम मार्क्स ही लेके जाएगा, कितने आपके 100 मार्क्स। सो होप्स ऑफ पैटर्न समझ पाए। प्री आपका 200, फिर ये आपका भी 200, लेकिन यहाँ पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव 100 का, फिर पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव, वो कितने का, 100 का। थर्ड स्टेज की बात करते हैं, फाइनल स्टेज की बात करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे 1:25, आपको बताया था ना कि जो कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं कितने हैं, 1:25। बात करता हूं आपके थर्ड स्टेज की, फाइनल स्टेज विच इज इंटरव्यू, कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:5 विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू द इंटरव्यू इज 25, है ना। आपके IBPS ने 20 नंबर दिए थे आपको इंटरव्यू के, आपका नाबार्ड जो है आपको 25 मार्क्स देता है। तो ये तो बात ही आपके एग्जाम के पैटर्न की, कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा है।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, है ना, हाउ टू स्टडी फॉर नबार्ड। जो लोग टारगेट करना चाहते हैं कि मुझे नबार्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, पैटर्न मैंने समझ लिया। अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा तो आप देखिए ARD और ESI जो आपने प्री के लिए पढ़ा वही मेंस के अंदर काम आ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड नहीं, वो सोलिड कमांड आपको बनानी पड़ेगी। बट जहां तक मुझे लगता है ना, इंग्लिश सिर्फ पेपर के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। और इंग्लिश के टच में रहना बड़ा जरूरी है। मैंने बहुत बार ऐसा रियलाइज करा, जब मैं इंग्लिश की क्लासेस लेता था मुझे समझ आता है, जब मैं कंटिन्यूअसली इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूँ तो फ्लो में दिक्कत नहीं आती। जब मैंने आफ्टर 4 or 5 months क्लास ली, मेरा फ्लो नहीं होता उतना। वाई? क्योंकि मैं टच में नहीं उस चीज के। तो सेम आपके साथ है, आप जब कहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं बैंक की साइड से कुछ पर्टिकुलर टास्क आपको दिया गया, जब आपको इंदौर, मुंबई, हैदराबाद कहीं भी मूव करना है, आप जब ऑफिसर्स के बीच बैठोगे तब खुद को रियलाइज करोगे यार मैं इन लोगों से पीछे रह गया। तो पीछे मत रहिए, अपने आप को पहले से इंप्रूव कीजिए। मैं सिर्फ स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बात वही है, एक अच्छे वर्ड्स की पावर आपके पास होना, वो इंग्लिश में आपका ये बोलेगे सोने पे सुहागा हो जाता है। उसके लिए पेपर को प्रेफर कीजिए, डेली का न्यूज़पेपर, है ना। आई थिंक ये हैबिट होनी चाहिए, अच्छी हैबिट है, बिकॉज आप जब डेली पेपर को पढ़ेंगे तो नॉलेज आपका बढ़ रहा है। ये वाला पार्ट कौन सा है ना, यहाँ वाला पार्ट जो मैंने आपको 3 पॉइंट पहले मेजर बताए थे, आपको करना क्या है, आपको फोकस करना है 3 पैरामीटर्स पे। कौन कौन से 3 पैरामीटर पे फोकस कर रहे थे आप, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो मैथ्स और रीजनिंग इज फाइन, वो हम कर लेंगे, बाद में भी हो जाएगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के अलावा जो पार्ट्स हैं वहां पे, जैसे कंप्यूटर मैंने बोला तो दैट्स ओके, कंप्यूटर आई थिंक अगर आप नोट्स पढ़ो तब भी होता है, नहीं पढ़ोगे तो दैट्स फाइन, अब 2-4 क्लासेस लो हो जाएगा, है ना। जीए के अंदर ज्यादा स्कोरिंग करनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। स्कोर करना है तो कहां पे, ARD, जहां तुम्हें कोई छोड़ नहीं सकता पीछे, है ना। आप खुद को सोचिए क्या ARD में लोग हमसे आगे जा सकते हैं। जो लोग AFO में सेलेक्टेड नहीं है बहुत ज्यादा, वो तैयारी नहीं करते, है ना। लोगों का मानना पहले AFO बन जाते हैं, जो करेंगे भी तो ठीक है, हमारा कॉम्पिटिशन एक बहुत छोटी सी क्राइटेरिया के साथ है, बाकी जो स्ट्रीम ही नहीं एग्रीकल्चर जिनकी, वो कहां हमसे पंगा ले लेंगे। ARD पीछे कोई छोड़ेगा नहीं। ESI की बात करते हैं, अब ESI में एक और सेशन लूंगा आपका, जहां पे सिर्फ मैं ESI की बात करूं। अगर आप ESI के पैटर्न को खोल के देखोगे ना, तब समझ आएगा इसमें स्ट्रीम का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं है कि आप एग्रीकल्चर से हो, आप नॉन एग्रीकल्चर से, कुछ भी हो, ESI तो सभी के लिए सेम है। सेम आई मीन टू से डिफिकल्टी लेवल अगर कहें, अगर बोला जाए इंडिया की लिटरेसी रेट कौन सी है, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है ना, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में रैंक कौन सा है, तो इसमें कौन सा एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर, ये तो सभी के लिए कॉमन है ना। तो यहाँ पे हम बाकी स्ट्रीम को उतना ही कॉम्पिटिशन दे सकते जितना वो हमें दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वो हमारे बराबर नहीं जा सकते, राइट। तो यहाँ हम उनसे आगे निकल गए, ये हमारा उनके बराबर है। पॉइंट आता है ये, है ना, जो आपको मेजर आके लेके जाएगा, इस पे अगर आपने कमांड बना ली तो आपका सिलेक्शन और इजी हो जाता है, बिकॉज इंग्लिश में जितना ज्यादा स्कोर किया चांसेस है आपके प्री क्वालिफाई होने के। वैसे तो जहां तक मैं जितने लोगों को जानता हूं जो एवरेज से ऊपर स्टूडेंट थे, है ना, उनका प्री क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है मेंस के अंदर। मेंस के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। तो मेंस की जब बात करूंगा तो मेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया पेपर फर्स्ट जो है ये दिक्कत करेगा, पेपर सेकंड तो एनी हाउ फिर भी कर लोगे। क्यों कर लोगे, क्योंकि पेपर सेकंड तो तुम्हारा ही पार्ट है, जो पहले पढ़ के आए हो प्री के लिए, और प्लस जो तुमने सेक्शन चूज किया हॉर्टिकल्चर सोयल साइंस जो भी चूज करा उसे भी पढ़ लोगे, बिकॉज एग्रीकल्चर ही तो है। लेकिन ये मेजर दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्री एग्जाम आपने AFO में दिया वैसा नहीं है, यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्टिव सॉरी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, ये है ना। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको एक आइडिया, मतलब एक लेट्स से एक एसे का टॉपिक दे दिया, अब लिखना है उसके ऊपर। तो पहली बात होगी इंग्लिश आनी चाहिए, सेकेंडली अच्छे थॉट्स आने चाहिए। तो मैं इसके लिए एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं ये बोलूं कि नाबार्ड की आपकी स्ट्रीम है सोयल साइंस, एक की स्ट्रीम है हॉर्टिकल्चर, पहले खुद से पूछो क्या इंडिया में ऐसी कोई सर्विसेज ऑफर करेगा जो आपको मेंस एग्जाम के लिए गाइडेंस दे, यस और नो? डेफिनेटली नो। ठीक है, कोर्स चलाना इजी टास्क, प्री के लिए कोर्स चलाए जा सकते हैं, मेंस के लिए नहीं। हाँ, मेंस का पेपर फर्स्ट के लिए हो सकता है, पेपर सेकंड हर बच्चे का अलग अलग स्ट्रीम है, कैसे पॉसिबल है? मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपकी वो पावर बढ़ाने के लिए ना आप किससे गाइडेंस लोगे, आप गाइडेंस लीजिए आपके न्यूज़पेपर से। वैसे तो टीचर्स बोलते हैं बच्चों को जो नई स्टेज पे है, जीरो लेवल पे है, तो वो अपना सिटी का लोकल पेपर पढ़े या कुछ और, वो उनकी बात बहुत सही है, लेकिन आप अब जीरो पे नहीं है,
आप एक स्टैंडर्ड पेपर को ही लेके चलो, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स को लेके चलो या फिर द हिंदू को लेके चलो, बट डेली हैबिट बनाओ, एक घंटा न्यूज पेपर को दो, वो आपका नॉलेज इंप्रूव करेगा, ESI वाले पार्ट में हेल्प करेगा, ARD के करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा और प्लस इसमें हेल्प करेगा, है ना। तो जब बात करता हूँ किसकी, मैंने बोला कि हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, तो ACC की साइड से अगर बोलूं आपके जो मेजर, मैंने बोला कि आपको जिस पे वर्क करना है, तो आप किस पे वर्क करने वाले हैं, सबसे पहले वर्क करने वाले हैं ARD सेक्शन पे। ARD मुझ पे छोड़ दीजिए, जो सेलेक्टेड है उनके लिए ARD का, क्योंकि आपको लेक्चर वेक्चर की रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको चाहिए स्टडी मटीरियल, तो वेबसाइट पे रजिस्टर आप कर लीजिए, अभी टाइम लूंगा 15-20 दिन का कम से कम, आपको फ्री ऑफ कोर्स दूंगा ARD का मटेरियल जो स्पेशली NABARD के लिए हम बना रहे हैं, ओवरऑल नहीं एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज AFO के लिए थोड़ा सा लेंथी होता है मटेरियल, NABARD के अंदर वो समराइज किया जा सकता है। तो ये हमारी साइड से हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कोर्स। सेकेंड, ARD तो सर हो गया, अब अगली बात करो, अगले की बात करूं तो आपका आता है इंग्लिश किसके लिए, आपके प्री एग्जाम के लिए भी और आपके मेंस एग्जाम के लिए भी। उसके लिए मैंने बोला कि आप क्या करें, द हिंदू को अपनी हैबिट बनाए, डेली अगर उसे पढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज NABARD को होने को ज्यादा नहीं 6 महीने पड़े हैं, अगर 6 महीने तक, बिकॉज आप जिस दिन आपकी, क्योंकि ज्वाइनिंग का भी नहीं पता, जैसे ही कोरोना वाला केस नॉर्मल होगा आपकी ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन बात यह कि जब ज्वाइनिंग आ गई तब भी रिपोर्ट तो बैंक के अंदर 9:30 और 10 o'clock करना है ना, पेपर सुबह तब भी पढ़ा जा सकता है, 6 महीने तक पेपर की कंटिन्यूटी कर लेना, यहाँ वाला करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, यहाँ वाला इंग्लिश कवर हो जाएगा, और मेंस के लिए जो आपको आइडिया चाहिए ना माइंड में, वो तभी तो आएंगे। बिकॉज देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज क्या हुआ, कल रात शायद, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, पर आज या कल रात क्या हुआ, जो विकास दुबे, आपने पढ़ा हुआ कानपुर के अंदर, जिसने काफी सारे पुलिस वालों को भी, है ना, वो बहुत गलत था, अब एनी हाउ वो भाग गया, है ना, पकड़ लिया गया, एनकाउंटर हो गया। अब ये एनकाउंटर कितना सच है कितना झूठ है हम नहीं जानते, बट आप ये देखना कि न्यूज़पेपर के अंदर जब आएगा ना, अब जब राइटर लिखना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग उसको पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ उसे नेगेटिव बोलेंगे, है ना, कुछ क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करेंगे उसे, है ना। अब वो लोग जो बोलेंगे ना, वो नॉर्मल लोग नहीं, आप भी जानते हैं द हिंदू के अंदर आर्टिकल पब्लिश करना मतलब वो नॉर्मल पर्सन नहीं करेगा, तो उनके आइडियाज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, मुझे पेपर के अंदर कैसे लिखना है, मुझे नेगेटिविटी सर्व करनी है तो वो किस वे में मैन्युपुलेट करनी है, और मुझे पॉजिटिविटी सर्व करनी है तो वो किस लेवल तक पॉजिटिविटी सर्व करनी है। आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया, थर्ड आते हैं ESI पे। ESI के लिए कंटेंट नहीं दूंगा भाई, नेचुरल सी बात, मैंने यहाँ पे बोला ARD हम देंगे, बिकॉज इस केस में बोलता हूँ कि हमसे अच्छा एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा कोई, बट नेचुरल सी बात है मैं इसके लिए ऐसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे और लोग भी हैं जो हमसे ज्यादा अच्छे से कवर करते हैं, इवन हम इसे कवर करते ही नहीं है, हमारा पार्ट यही है। तो ESI के लिए आपको 2-3 सेशन दे दूंगा, है ना, पेपर भी डिस्कस कर लूंगा लास्ट ईयर का, एक सेशन ये क्या क्या पढ़ना है वो बता दूंगा, लेकिन ये पार्ट आपके ऊपर है, बट ये भी अगर आप इंग्लिश वाला पेपर कवर करोगे ना तो ये भी साथ हो जाएगा, और यही है आपका NABARD में प्री और मेंस क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट जो इंटरव्यू स्टेज है उसके लिए क्या कीजिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, बहुत जरूरी है। वाई, क्योंकि मैंने शुरू में पूछा कौन है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अब तुम सारे लोग सेलेक्टेड हो, है ना, लेकिन आप देखो फटाफट हम हाथ खड़ा नहीं कर पाए, वाई, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर हमने बोला था ना, वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोला था, हमारा ये था सर प्लीज जबरदस्ती मत करो यार, हम नहीं करेंगे, है ना, लेकिन इंटरव्यू में तो नंबर मिलने थे, सिलेक्शन लेना था, एनी हाउ हमने करा, लेकिन आज फिर से वही बात आ गई, नहीं नहीं सर मैं नहीं बोलूंगा, मैं हाथ खड़ा नहीं, वाई, क्योंकि हम हेजिटेट होते। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, घर पे बैठ के इंग्लिश मत बोलो, स्पेशली जब ऐसा टाइम आए जब तुम सारे लोग सामने, तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब सारे लोग मुझे देखेंगे, बिकॉज नेचुरल सी बात है हम पॉसिबल है इसे यूट्यूब पर पब्लिश कर दे, अब आपको डर लगेगा यूट्यूब पे तो पूरा इंडिया सुन लेगा, मेरा जूनियर भी सीनियर भी, ये सबसे परफेक्ट टाइम होते हैं बोलने के, क्योंकि अगर मुझे इस कैमरा को बंद करना है, रिकॉर्डिंग को बंद करना है और यहाँ पढ़ाना है, आई एम टोटली फाइन यार, कैसे मर्जी पढ़ा लूंगा, रिलैक्स हूँ, लेकिन जब मुझे पढ़ाना है इस कैमरे के सामने, तो मुझे एक एक वर्ड को नाप तोल के बोलना पड़ता है, परफेक्टली बोलना पड़ता है, कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए, और यही तरीका होता है हम अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो अभी आपके डाउट्स होंगे तो वो ले लेंगे, सेशन को ओवर करता हूँ, बट उससे पहले बता दूं जो मैंने यहाँ पे बोला, आपका सेलेक्टेड स्टूडेंट जो भी है, सभी का ग्रुप है, आपने ग्रुप में ऐड होंगे, जो लोग नहीं है तो ऐड कर देंगे, तो वहां पे इन्फॉर्म करूंगा जब भी ये दूंगा, है ना, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट कर दिया आपके NABARD के नोट्स पे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज नोट्स बनाना इजी टास्क नहीं है, तो जैसे ही वो होते हैं रेडी मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा। एनी हाउ आपको करना क्या है, वेबसाइट पे जाइए agricoaching.in पे, सर्वर अपडेट हुआ है तो आपको दोबारा से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जस्ट रजिस्टर करके अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, ताकि जिस दिन हम कोर्स को वहां पे ऐड करें तो आपकी मेल आईडी लेके वहां पे कोर्स ऐड किया जा सके। अब किसी का पर्टिकुलर डाउट है कोई रिलेटेड टू स्ट्रेटजी या एग्जाम कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, वो पूछ सकता है, कुछ कुछ और बोलना चाहता है,
तो डेफिनेटली वो हाथ खड़ा कर सकता है एनी वन ऑफ यू। मैंने बोला कि कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई बोलना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है। अब मैं जानता हूं क्योंकि ऐसा है ना कि मैं बूढ़ा इंसान नहीं हूं, मुझे पता चल जाता लोगों के माइंड में क्या था, बिकॉज तुम सिर्फ 4-5 साल बड़ा हूं है ना। कभी कभी ऐसा होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपके साथ, डेफिनेटली हुआ होगा, एग्जांपल आपने सुना होगा, मेरे स्टूडेंट है तो आपने पूरा साल मुझे झेला है, नहीं हुआ है ना, तो आपने सुना होगा कभी ऐसा हुआ होगा कि बस में आप जा रहे हो, आप बस के अंदर बैठे थे है ना, बस में आप बैठे थे, सीट साथ वाली खाली थी, आपके साथ आगे आपका अपोजिट जेंडर बैठ गया, फीमेल है तो मेल बैठा हुआ, मेल है तो फीमेल बैठी, अच्छी किस्मत रही तो, वरना खराब भी हो सकती है ना। अब आप क्या चाह रहे हो उससे बात करना, हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली इतने शरीफ कोई नहीं होता भाई है ना, बात करना हर किसी की, हेलो हाय तो कर ही लेते हैं। हम क्या करते हैं, तो सोचते हैं हेलो बोलूं, हाय बोलूं, गुड मॉर्निंग बोलूं, सत श्री अकाल बोलूं, जय जय माता दी, क्या ही बोलेंगे वो भैया बोल चलो है ना। सो हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला वर्ड यूज करना है। अब मैंने उसको फ्रेम भी कर लिया सेंटेंस को, आई वॉज अबाउट टू से कि अब बोलने वाला हूं, बस वो बात थी कि वो सेंटेंस बनाने में तो 5 मिनट लगे, लेकिन बोलने में डिसाइड करते 5 घंटे निकले, वो उठ के चली गई, हम वहीं के वहीं बैठे रह गए। हुआ था ना, डेफिनेटली होता है ऐसा लाइफ में, हम एंड टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाते भाई साहब। अमेजोन प्राइम पे 1 डे डिलीवरी है, लेकिन हमारे केस में नहीं होता ना, हम लंबा ले जाते हैं, जब तक इंटरव्यू नहीं आया सर तब तक नहीं बताऊंगा, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, शर्माता रहूंगा, जिस दिन आ गया देखना सर कितना अच्छे से आंसर देके आऊंगा, मजा आ जाएगा, इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, बोलेगा तेरे से अच्छा तो बच्चा ही नहीं मिला हमें कोई। हम ऐसा सोचते हैं अक्सर है ना। लाइफ में अगर इंप्रूवमेंट करनी है ना, आप हर सिचुएशन के लिए रेडी रहे, कोई भी चैलेंज आपके सामने आ जाएगा ना, बस उस टाइम पे शुरू हो जाओ, क्योंकि अपने आप को ऊपर ले जाने का रास्ता पता क्या होता है, गलतियां करना, क्योंकि अकल बादाम खाने से तो नहीं आती है, मैंने काफी खाए हैं है ना, नहीं आई थी, लेकिन ठोकरे खाने से डेफिनेटली अकल आती है। 2-4 बार खा लेते हैं ना लोग, जिनका सेकंड अटेम्प्ट होगा ना वो बात समझ पा रहे हैं, जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एएफओ क्वालिफाई किया होगा वो लोग समझ पा रहे हैं कि बादाम ने असर नहीं किया था, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं हुआ था ना पहले साल भाई साहब उसका बहुत असर हुआ था ना। जब फ्रेशर्स हैं तो भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बिना ठोकर खाए सेलेक्ट हो गया, बट अपने आप को रेडी कीजिए हर गोल के लिए, हर टारगेट के लिए। ओवर करता हूँ सेशन को, इसके बाद कोई आपका डाउट्स होगा तो आपका ग्रुप ओपन है ना, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, मैं जनरली ग्रुप ओपन नहीं करता हूँ बिकॉज बच्चे सारा दिन रेल बना देते हैं, बट आप समझदार लोग हैं, आपके ग्रुप में ज्यादा डिस्टर्बेंस होती नहीं है, बट स्टिल आपका कोई डाउट है जो प्रिपेयर करेंगे तो प्लीज आप वहां पे लिखिए, मैं रिप्लाई तो नहीं करूंगा, बट हाँ रात में 11:30-11 बजे शायद टाइम मिल गया तो रिप्लाई कर दूंगा, वरना आप लोग आपस में, जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पे है ना मनीदीप, ये बहुत टाइम से नाबार्ड के पीछे लगा हुआ है, अच्छा खासा स्टूडेंट है, तो शायद ऐसे लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, आइडिया है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिकॉज जो 2 साल से तैयारी कर रहा है तो शायद वो हमसे बेटर जानता है। चलो कोई डाउट हो तो वहां पे लिखना, मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में जहां पे आपका ESI की बात करेंगे, जब होगा तो आप ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।